हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली मैंने रीट की तैयारी करने वालों के लिए बनाया है। हालांकि ये वीडियो उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि वर्तमान में चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का पेपर देते हो, उसमें जनरल साइंस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर में कौन कौन से तंत्र होते हैं उसी पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो मनुष्य के शरीर में जो मुख्य तंत्र है, जो सिस्टम्स है, वो कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से तंत्र है। तंत्र क्या होता है? ऊतकों का समूह, ऊतकों का समूह तंत्र कहलाता है। मतलब एक टिश्यू का ग्रुप होता है जिसे अपन सिस्टम कहते हैं। कौन कौन से सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर में काम करते हैं? तो वो इस प्रकार है। नंबर एक, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। नंबर दो, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। नंबर तीन, रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। नंबर चार, सिर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। नंबर पाँच, स्केल्टन सिस्टम, कंकाल तंत्र। नंबर छः, रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। नंबर सात, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। और नंबर आठ, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। और नंबर नौ, मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र। तो ये मनुष्य के शरीर में जो कुल सिस्टम्स है यानी तंत्र है, कुल मिलाकर टोटल नौ हो गए संख्या में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से, मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र में देखिए, पहले अपन पाचन की परिभाषा से लेते हैं। पाचन क्या है? डाइजेशन क्या है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये जो सब होते हैं ये जटिल रूप होते हैं। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन की ये क्रिया विभिन्न एंजाइमों द्वारा होती है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन या विघटन या रूपांतरण पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया विभिन्न एंजाइमों द्वारा होती है। तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। मानव पाचन तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? मतलब सुविधा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से इसके अपन दो भाग कर सकते हैं। पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल। पहला भाग कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आर नाल। और दूसरा इसका भाग है पाचन ग्रंथियाँ या सहायक ग्रंथियाँ। पाचन में जो सहायक ग्रंथियाँ वो एसोसिएट ग्लैंड्स। तो सबसे पहले अपन आहार नाल से ही शुरुआत करते हैं। मनुष्य में मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल का जो पहला भाग है वो है बकल कैविटी। पहला भाग कौन सा है? बकल कैविटी। तो आहार नाल का भाग नंबर एक बकल कैविटी अर्थात मुख गुहा। बकल कैविटी या मुख गुहा, तो देखिए बकल कैविटी या मुख गुहा क्या होती है? हार जो दो जबड़े होते हैं, दोनों जबड़ों के बीच की जो कैविटी है, दोनों जबड़ों के बीच की कैविटी को हम बकल कैविटी अर्थात मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मुख गुहा में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वो दो महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से? एक है जीवा यानी जीभ और दूसरे है दांत। जीवा और दांत ये दो महत्वपूर्ण भाग है। और भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। हम सबसे पहले जो भोजन है उसको हाथ में लेकर मुँह में इंजेक्ट करते हैं। इस क्रिया को भोजन अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो ये पहला जो पाचन का जो पहला प्रोसेस है वो इंजेक्शन। पहला प्रोसेस क्या? इंजेक्शन अर्थात भोजन अंतर्ग्रहण। तो इसमें जीभ एक मांसल भाग है, मांसल पेशी है।
भाग है। इसकी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ की सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएँ कहा जाता है। इन अंकुरों को क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। इन स्वाद कलिकाओं में मतलब स्वाद के अलग अलग पार्ट होते हैं। आप साइड के डायग्राम में भी देख सकते हो, मतलब जो अलग अलग भाग जीभ के जो सबसे आगे वाला भाग होता है, तो आगे सबसे आगे का भाग होता है वो मीठे का पता लगाता है। किसका पता लगाता है, मीठे का। अपन जो भी मिठाइयाँ खाते हैं उसके स्वाद का पता जीभ का जो अग्र भाग है उसके द्वारा लगाया जाता है। ओके, और कड़वे का पता जीभ का जो पश्चिम भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, उसके द्वारा किया जाता है। अर्थात जीभ के पश्चिम भाग से हम कड़वे स्वाद की पहचान करते हैं। और जो साइड वाला भाग होता है, पार्श्व भाग, उसे हम नमकीन या खट्टे भाग का पता लगाते हैं। इसके अलावा जीभ स्वाद का पता लगाने के अलावा और भी कई कार्य करती है, जैसे भोजन को लसलसा बनाना, भोजन को लसलसा बनाना, भोजन को आगे धकेलने का काम भी करती है। जीभ से लार का स्त्रावण होता है। लार को लाला रस भी कहते हैं। लाला रस जो लाला ग्रंथि यानी सेलिवा ग्लैंड से स्रावित होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है। एमिलेज क्या करता है, मंड को शर्करा में बदलता है। तो भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है, यानी मंड से, मंड या स्टार्च शर्करा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कार्य लार में पाए जाने वाले एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आते हैं दांत। दांत, अगर मनुष्य के दांतों की अपन बात करें तो मनुष्य के जो दांत है वो गर्त दंती होते हैं। कैसे होते हैं, गर्त दंती यानी थिकोडेंट। गर्त दंती का मतलब दांत गर्त में धंसे हुए होते हैं। डिवार दंती होते हैं यानी डाइफायोडेंट। डिवार दंती मतलब जिंदगी में दो बार निकलते हैं मनुष्य के दांत। और विषम दंती होते हैं, मनुष्य के दांत विषम दंती यानी हेटेरोडेंट होते हैं। इसका मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी दांत चीरने फाड़ने के अलग होते हैं, भोजन चबाने के अलग होते हैं। तो हेटेरोडेंट का मतलब विभिन्न प्रकार के, यानी मनुष्य के दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। और ये जो चार प्रकार है वो इस प्रकार है, इंसाइसर्स। पहला प्रकार कौन सा है, इंसाइसर्स जिसे हिंदी में बोलते हैं इंसाइसर्स। और दूसरा है कैनाइन यानी रदनक। तीसरा है प्रीमोलर्स यानी अग्रचेपरणक। और चौथा मोलर्स यानी चेपरणक। तो दांतों के ये चार प्रकार हो गए। एक बार फिर देखिए, इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो चार प्रकार हो गए। कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, यानी दोनों जबड़ों में 16-16 दांत। अगर हाफ जा लिया जाए यानी आधा जबड़ा लिया जाए तो उसमें 8 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं। उसी के आधार पर मनुष्य का दंत सूत्र प्रिपेयर किया जाता है। तो मनुष्य का जो दंत सूत्र है यानी डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो इस प्रकार है, 2-1-2-3 मतलब अगर हाफ जबड़े की बात करें तो इसमें 2 इंसाइसर्स है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स है और 3 मोलर्स है। ये आधे जबड़े के हो गए, तो कुल कितने हो गए, 2, 1, 3, 2, 5, 5 और 3, 8। तो आधे जबड़े में 8 दांत हो गए और पूरे जबड़े में 16 हो गए और कुल मिलाकर 32 दांत हो गए। ये एक दंत सूत्र है। शेषावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। शेषावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। मनुष्य की जो दांत है, दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो सबसे ऊपरी भाग है उसे शिखर या क्राउन कहा जाता है, शिखर या क्राउन कहा जाता है। बीच का जो भाग है मध्य भाग, ग्रीवा या नेक कहते हैं। और उसका सबसे जो नीचे का भाग है उसे जड़ या रूट कहा जाता है। तो दांत मोस्ट ऑफ
एक गुआ जिसे अपन कह सकते हैं मजा गुआ, उसमें फिट रहते हैं दांत। किसमें, किसके भीतर रहते हैं? मजा गुआ के भीतर रहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, यानी मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है इनामेल, वो दांतों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग है, या अपन कह सकते हैं मुख गुहा की जो छत है, उसे तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू कहते हैं।